मुसलमानों के लिए अभी बहुत काम किया है और जो मुसलमानों के आवाज उठाते रहेगा, मुसलमान के काम करेगा, मुसलमानों ने उसका साथ देना चाहिए। मैंने अभी आपको उदाहरण बताया चंद्रबाबू ने, मेरी ये नाराजगी थी, इसलिए मैंने बोला। मुझे उनके अंदरूनी मामले में दखल देने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरे समाज के साथ में अगर कोई बुरा करता है, मैं हमेशा बोलूंगा, बोलते आ। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। ऐसे में अब के दौर में जो है सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बना है जिसके जरिए से लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अमरावती में हालिया दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें हाजी रफीक जो कि अमन फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। हाजी साहब, आप किसी दूसरी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसके बावजूद आपने कांग्रेस के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी की, कि आपको ऐसा नहीं लगता? आपने जो वीडियो वायरल हुआ हमने सुना है, शहर में सुना है, आपने कांग्रेस के एक अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी इंटरफेयर किया, कि आपको क्या जरूरत महसूस हुई इसकी? देखिए कमर भाई, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे समाज का मामला है, इसलिए मैंने इसके अंदर में दखल दिया। असल में हुआ यूं है कि हमारे शहर के काबिल लोगों ने, कांग्रेस ने जो आवेदन के लिए फॉर्म के लिए बुलाया था, तीन लोगों ने जो है आवेदन किया है, एडवोकेट शोएब खान साहब है, नजीर खान बीके साहब है और मेराज खान पठान साहब है, इन्होंने आवेदन किया है। मेरी नाराजगी कांग्रेस से इसलिए थी, शहर अध्यक्ष से, कि भाई मेरे समाज के लोगों ने जब कांग्रेस को आवेदन किया है कि हमें टिकट चाहिए, हम इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं, तो जब तक ऊपर का आदेश नहीं आता उन लोगों ने रुकना चाहिए था। एक कैंडिडेट को लेकर उसकी कैनवेसिंग नहीं करनी चाहिए थी, मेरी ये नाराजगी थी, इसलिए मैंने बोला। मुझे उनके अंदरूनी मामले में दखल देने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरे समाज के साथ में अगर कोई बुरा करता है, मैं हमेशा बोलूंगा, बोलते आया हूँ, आगे भी बोलूंगा। आप जो इस तरह से आप नाराजगी जता रहे हैं कांग्रेस से, क्या कांग्रेस किसी मुस्लिम उम्मीदवार को यहाँ पर विधानसभा में मैदान में उतारती है तो क्या स्टैंड रहेगा आपका? मैंने अपने वीडियो में भी कहा है साफ अल्फाजों में कि अगर कांग्रेस यहाँ से किसी मुस्लिम को टिकट देती है, शोएब भाई हो, नजीर भाई हो या मेहराज भाई हो, इनको अगर वो टिकट देती है तो मैं अपने समाज की भलाई के लिए बिल्कुल मेरे मुस्लिम भाई का मैं साथ दूंगा। लेकिन टिकट के साथ साथ कमर भाई, कांग्रेस ने साथ भी देना चाहिए, ऐसा ना हो जाए मेरे भाइयों के साथ में कि आप टिकट देके उनको गिरा दे, नहीं, साथ भी लगेगा। जैसा कि अभी एक कैंडिडेट को लेकर आप इधर घूम रहे, क्यों शोएब भाई को लेकर हिंदू क्षेत्र में नहीं घूम रहे हो आप? तैराज भाई को लेकर क्यों नहीं घूम रहे हिंदू क्षेत्र में? इन्होंने भी आवेदन किया है भाई, ये हमारे कैंडिडेट है, ऐसा नहीं कर रहे वो लोग। मुस्लिम क्षेत्र मुसलमान के सिर्फ कांग्रेस के लिए बना हुआ है क्या? क्या लाला कर हमको बीजेपी से आए हुए आदमी को दोबारा और हम पर थोप दे रहे? अरे 10 साल से कांग्रेस को हमने संभाल के रखा था, 2012 में कांग्रेस से हम नगर सेवक रह चुके हैं 17 तक, यहाँ पर ये आदमी का कोई नामो निशान नहीं था कांग्रेस के अंदर। खोड़के साहब ने जो है पार्टी छोड़ी, आपने भी उनके साथ कांग्रेस को छोड़ दिया, ऐसा क्या वजह रही? देखिए खोड़के साहब एक बहुत बेहतरीन लीडर है मेरी निगाह, मैंने आज तक बहुत 32 साल से क्षेत्र में काम कर रहा हूँ सियासी, मैंने खोड़के साहब के जैसा आदमी नहीं देखा। दूसरे जितने भी यहाँ पर आमदार आए हैं उन्होंने मुसलमानों को पिछड़ा हुआ रखा तालीम के क्षेत्र के अंदर, ताकि अगर मेरा समाज पढ़ेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, इन्होंने अपना गुलाम बना के रखा। खोड़के साहब ने मेरे समाज के लिए जो किया है मैं उनका एहसान मंद हूँ। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आप उठा के देख लो कि 5 सालों के अंदर में जो महानगर पालिका की पश्चिमी क्षेत्र की स्कूलें थी, 700 बच्चे भी वहां नहीं पढ़ते थे और बड़ा बुरा हाल था स्कूलों का। सियासी लोग एक मटका रखकर ये रखकर बड़ा उन्होंने करे, लेकिन खोड़के साहब ने जो करे, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स लाए, KG1 से लेकर यहाँ 12वीं तक बच्चा पढ़ सकता है, जो हमारा बैकलॉग था पढ़ाई का वो उसको उन्होंने पूरा किया है। 7वीं तक मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे, पढ़ाई छोड़ देते थे। अभी 8वीं 9वीं 10वीं भी महानगर पालिका के स्कूलों में खोड़के साहब ने लाए हैं, 11वीं 12वीं भी खोड़के साहब ने शुरू किया है, तो ये इसी की तैयारी कर रहे हैं। और इस साल हमको वहां पे 11वीं 12वीं की परमिशन भी सही से खोड़के साहब ने दिलाई है।
तो तालीमी क्षेत्र में जो उन्होंने हमारे समाज की मदद की है उभरने के लिए, मैं उनका आभारी हूँ, इसलिए मैं उनके साथ। ये सब ठीक है, लेकिन मुस्लिम जो वोटर्स है वो हमेशा सेकुलर पार्टी को वोट देते हैं, देते आए हैं, और इस बार भी जो है ऐसा लगता है पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि एक तरफा वोटिंग हुई, तो आपको क्या समीकरण लगता है भविष्य में? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव का जो मसला है वो किसी को जीत के लाने से ज्यादा किसी को हराने का मसला था। अब रहा सवाल सेकुलर शब्द का, तो ये जो सियासी सेकुलरिज्म शब्द है इससे मुझे घिन आने लग गई है। ये सिर्फ बातें रह गई है, पार्टी का सेकुलर होना जरूरी नहीं है। उस कैंडिडेट ने सेकुलर होना चाहिए, उस इंसान ने सेकुलर होना चाहिए, वो मायने रखता है। अब आप देख लिए उदाहरण के तौर पर, अभी आंध्र के मुसलमानों ने चंद्रबाबू नायडू पर महायुति का हिस्सा होने के बावजूद विश्वास किया और उनको चुनकर लाए, उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स को चुनकर लाए, वो आज महायुति में बैठे। लेकिन जब बीजेपी ने वक्फ वोट अमेंडमेंट बिल लाई तो विपक्ष ने चिल्लाया, हमारे लीडर्स ने उसके खिलाफ में आवाज उठाई, उसका उतना असर नहीं पड़ा जितना चंद्रबाबू नायडू ने सरकार में रहकर सरकार का टेटवा दबाया। तो बीजेपी को ऐसा लगा कि नहीं, अगर चंद्रबाबू नायडू हमारे पास से भाग जाता है तो सरकार गिर जाएगी। तो अभी ये जो दौर है कमर भाई, ये सेकुलर पार्टी के पीछे जाने का दौर नहीं है। जो छोटे छोटे घटक दल है उसके अंदर में हमारे सेकुलर नुमाइंदों को भेजने का दौर है, कि हमारे सेकुलर नुमाइंदे उसके अंदर में जाए और हमारे खिलाफ में जो बिल बन रहे हैं उसके खिलाफ में वो आवाज उठाए, हमारे मुद्दों को वहां पर सरकार के सामने रखे। तो हमें सेकुलर पार्टी की नहीं, सेकुलर शख्स की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ में हमारे नेता संजू गोड़के साहब सेकुलर है, ये उन्होंने साबित कर दिया। लेकिन अजीत दादा जो है वो बीजेपी के साथ है, सिंधेगढ़ के साथ है, और अजीत दादा के ये समर्थक है और आप गोड़के साहब के समर्थक है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर पैदा होता है। हाँ बिल्कुल, सवाल तो होना चाहिए ना। देखिए, मुसलमानों के लिए अभी बहुत काम किया है और जो मुसलमानों की आवाज उठाते रहेगा, मुसलमान के काम करेगा, मुसलमानों ने उसका साथ देना चाहिए। मैंने अभी आपको उदाहरण बताया चंद्रबाबू ने। भविष्य में क्या स्टैंड रहेगा अगर कांग्रेस किसी मुस्लिम उम्मीदवार को अगर टिकट नहीं देती, कोई भी नेशनलिस्ट पार्टी से अगर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता है तो क्या स्टैंड रहेगा? हाँ, अगर मुस्लिम उम्मीदवार को नेशनलाइज पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो मैं मुस्लिम उम्मीदवार के साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे उस आदमी के साथ रहने में मजे आता है जो सत्ता में रहे, क्योंकि अगर सत्ता में रहेंगे तो समाज के काम करवा सकेंगे, वरना विपक्ष में काम नहीं होते। कमर फजूल ही हम अगर अपने वोट खराब कर दें। हाँ, अगर कोई नेशनल पार्टी मुस्लिम को टिकट देती है तो मैं हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, पहले भी कहा हूँ कि मैं उस मुसलमान का साथ दूंगा। मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जो भाव के साथ में फोटो खिंचा के खुश हो जाते हैं, मेरे भाव खुश हो जाए, मेरे भाव ने नाराज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। मैं गोड़के साहब के साथ में आज हूँ, लेकिन मुस्लिम के साथ में मैं, अगर कोई नेशनलाइज पार्टी देती है मैं मुस्लिम के साथ खड़े रहूंगा, मैं ऐसा आदमी। तो ये थे हमारे साथ हाजी रफीक साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि कोई भी नेशनलाइज पार्टी अगर किसी मुस्लिम को मैदान में उतारती है अमरावती विधानसभा क्षेत्र से तो वो उस मुस्लिम उम्मीदवार का साथ जरूर देंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर बड़े गंभीर आरोप भी लगाए। कैमरा पर्सन साकिब के साथ